हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई सो होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं अनुपम और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। हाजिर हो गई हूं आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता लेके, जो मैंने पनीर से बनाया है और बहुत ही टेस्टी, बहुत लाजवाब ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आपने आलू की कचौड़ी, दाल की कचौड़ी, मूंग दाल की कचौड़ी बहुत सारी खाई होंगी। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ पनीर की कचौड़ी, जो हेल्दी होने के साथ टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कप गेहूं का आटा ले लिया है। गेहूं का आटा की जगह आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक चौथाई चम्मच, चौथाई कप मैंने लिया है सूजी, और अजवाइन हम ले लेंगे एक चम्मच, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है हमें। आटे को हमें बहुत अच्छे से हमें गूंथना है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, जिससे कि हमारे जो नाश्ता बनके तैयार हो बहुत ही क्रिस्पी और खुश्क बनके तैयार हो। और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स हम ऐड कर देंगे, और थोड़ी अभी हम इसकी स्टफिंग में डालेंगे, इसलिए मैंने बचा के रख ली है। अब इसको ऐसे हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया से जो टेस्ट और लुकिंग दोनों बहुत ही अच्छे आते हैं। ये मैंने अब थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका सख्त आटा गूँथेंगे, जैसे हम रोटी का और पराठे का गूँथते हैं, उससे थोड़ा सा सख्त आटा हमें इसे गूँथना है। सॉफ्ट आटा हमें इसका लगाना है, सॉफ्ट डो जैसे हम लगाते हैं, क्योंकि जब हम खस्ता या कचौड़ी बनाते हैं उसके लिए हमें सॉफ्ट डो की ज़रूरत होती है। इस तरीके से हम देखिए आटा मेरा लग गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं, और उसके बाद हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये मैंने ले लिया है 200 ग्राम पनीर। आप और इसमें हमने पनीर को कद्दूकस कर लिया है, और एक आलू ले लिया है मीडियम साइज़ का, जिससे कि इसमें पनीर जो है वो ऐसे उसके स्टफिंग बनाने में थोड़ी सी आसानी होगी, इसलिए मैंने आलू ऐड कर दिया है। और हरी मिर्च हम ले लेंगे 2 से 3 बारीक कट कर लेंगे। चिली फ्लेक्स 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर उससे छोटा चम्मच, थोड़ा सा हींग, और 1 चम्मच लिया है मैंने जीरा पाउडर, और अमचूर पाउडर 1 चम्मच, सब टेबल स्पून चम्मच है, उस हिसाब से हमें लेना है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना है। हमें समझ के ही नमक ऐड करना है, क्योंकि हमने पहले ही आटे में भी नमक ऐड कर रखा है। और धनिया, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे, और इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे ऑर्गेनो। काली मिर्च का पाउडर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही टेस्टी ऐसे ही लगता है। मसाले डाल देंगे तो ये फिर हेल्दी नहीं बचेगा। इस तरीके से हम छोटे छोटे इसके लड्डू बना लेंगे, जैसे नींबू होता है उस टाइप में हम इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे, जिससे कि हमें बनाने में आगे आसानी होगी। सारा हम जब बना के रख लेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इस तरीके के हम लड्डू बना के सारे रख लेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब ये नाश्ता बनके तैयार होता है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। आटा देखिए सेट हो चुका है। अब हम उसमें छोटी सी एक लोई काट लेंगे, और अंगूठे और उंगलियों की मदद से एक छोटी सी हम इसकी कटोरी बनाएंगे, जैसे आटे की हम कटोरी बना लेंगे। देखिए इस तरीके से अंगूठे से प्रेस करते जाना है, और उंगलियों से उधर संभालते रहना है। अब हम इसको, जैसे ये पनीर है जो हमने लड्डू बना के रखे थे, वो हम ले लेंगे, और इस तरीके से देखिए ऐसे हम इनको बंद कर देंगे। ऐसे हम लोई, हम इसे बेलन से बेलेंगे नहीं, बिल्कुल हमें हाथों से ही प्रेस करके इसको हमें बना लेना है। जैसे जैसा भी शेप आप देना चाहें वो शेप आप इसमें दे सकते हैं। बस इसमें ये देखिए इस तरीके से, मैं दूसरी लोई आपको बना के दिखाती हूँ। ऐसे उंगलियों से हमें प्रेस करते रहना है, अंगूठे अंगूठे से पुश करता है, जिससे कि एक अच्छी सी एक कटोरी बनके तैयार हो जाएगी। ऐसे
इसको हम दबा दबा के ऐसे इसको इसके अंदर हम सेट कर देंगे, क्योंकि हमें बेलना नहीं है तो स्टफिंग हम ज़्यादा रखेंगे, बेलने से थोड़ा सा फटने का डर रहता है, तो हम इसे बेलेंगे नहीं, बस हाथों की मदद से ही हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखें कितने ये खस्ता नाश्ता जो है वो हमारा बनके तैयार है। ये देखिए हमने सारे बना लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें हम गरम करेंगे तेल, और तेल को बहुत ज़्यादा हमें गरम नहीं करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है, वरना ये ऊपर से तो जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इसे इस तरीके से हमें नहीं बनाना है, हमें पूरा ये देखें, और इसको हमें तुरंत नहीं पलटना है नाश्ते को, और इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जब इसमें हल्का सा ब्राउन कलर दिखने लगे उसके बाद ही हमें इन्हें पलटना है, वरना ये फूटने का डर रहता है, कहीं फूट ना जाए। इस तरीके से देखिए बनके तैयार हो चुकी हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहे इसके लिए आपका लाखों करोड़ों बार शुक्रिया, दिल से आपका शुक्रिया देती हूँ। और नाश्ता जो है जब दूसरा बैच भी मैं इसमें डाल दूँगी, नाश्ता हमारा जो है वो बनके तैयार है। देखिए तुरंत हमें इसमें चम्मच नहीं लगाना है, वरना फटने का डर रहता है, और इसे उलटते पलटते हमें ब्राउन होने तक ऐसे ही पका लेना है। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है कि वरना ये कच्चे ही रह जाएंगे और आटा भी ख़राब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमारे जो नाश्ता हमारा है वो बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे, फिर हम इसको सर्व करेंगे, प्लेट में रखेंगे। देखने में ही आपको कितनी अच्छी लग रही होगी, क्योंकि बहुत टेस्टी बनके तैयार हुआ है। अब मैं आपको एक खस्ता कचौरी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि हाँ कैसा बना हुआ है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन